लेकिन उस दिन हमारा भाव कितना निर्बल था, जिस दिन नाम जान लिए थे। आज भाव कम हो रहा है, सब का भाव धीरे धीरे कम हो रहा है, उतर रहा है। और प्रार्थना क्या होती है, सतगुरु हो मोरी रंग दा चुनरिया, सतगुरु हो मोरी रंग दा चुनरिया। लाल नहीं रंगना, हरा नहीं रंगना, काहे का? अरे लाल हरियर ये तो बिटिया के द्वारा रंग डाल देते हैं, गुरु रंग में कौन जरूरत का। लाल हरियर तो आपके घर वाले रंग देते हैं भैया, इन्हें सबसे मनाया जाएगा। सतगुरु हो मोरी रंग दा चुनरिया, अब ऐसा रंगना कबहु नहीं छूटे। गुरु महाराज की हे अर्जी विनती करा जाए कि हे गुरु महाराज, अब ये जीवन में चाहे जितना या नहीं आप बतावे, चाहे जितना दुख तकलीफ आवे, लेकिन आपके चढ़ाया हुआ रंग सरकार उतर नहीं पाते। तो जब ये प्रार्थना करो तो मालिक दया करिए तो न उतरे, और नायक अपने बच्चे ना बेहला चाचा पग पग पे काटा भार है। पग पग पर भक्ति करना बहुत कठिन है, जो खाड़े की धार खाड़ा मारे तलवार होता है, तलवार पे जब आसान चीज बात तो गुरु से कि ऐसा रंगना कबहु नहीं छूटे। और भक्तिया भेवे चाहे सारी उम्हारिया, सतगुरु हो मोरी रंग दा चुनरिया। तो सबसे बड़ा अपराध भी हमार मन है, और घर परिवार सब धोखी काम करते नाते भैया थोड़ा सा हमका आपका अपने मन में निर्मलता लाने की जरूरत है। आपसी भाव में अगर विरोध भाव बात एक खत्म कर दिएगा, यहाँ आपको हमको सच्चा बनाना है कि कोई मन मुटाव पैदा हो जाए तो आपस में मिल बैठ करके उसे दूर किया जाए, और नहीं तो आप अपने घर के करके पड़े रहो, हम अपने घर के करके पड़े रहे। आप अलग कार्यक्रम करो, हम अलग कार्यक्रम करें। ये गुरु की दया नहीं है, ये गुरु की मौज नहीं है। गुरु की मौज एक है, एक तब जितने माप समझो, अपना परमाप बिगाड़ने की कोशिश आप मत करो। रास्ता मिल गया है, अब इस रास्ते पर चला जा, और नाम ध्वनि करते रहना, और गुरु का भोग लगाए, नाम ध्वनि करें, गुरु का भोग लगाएं, और चुटकी सेवा निकालें। ये सारा काम परमार्थी है, परमार्थी काम बहुत तरीके से है। और जितना परमार्थी काम करोगे तो आपके घर में इधर से पैसा, उधर से पैसा, उधर से पैसा आ रहा है, तो आप दिन दुगना रात चौगुना विकास करोगे। ऐसे परमार्थी दौलत भोग लगाओगे तो, और चुटकी सेवा निकालोगे तो, साधन करोगे तब, और सत्संग केंद्र पर जाओगे तब, त्रयोदशी भंडारा पूनम में जाओगे तब। ये तमाम साधन गुरु महाराज ने बना दिया है आपके परमार्थ की ओर बढ़ाने के लिए। इस काम को प्रेमियों आप करना, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है। और अब की बात किए इस अगर 2024 को यहाँ इतने प्रेमी आवे, यहाँ बैठने की जगह कम पड़ जाए। जय गुरुदेव। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जय कुम्हार को लेकर के गया था, जहाँ गड्ढा बनाया था, कहा भाई थे जब तू देख लिया है तो हल्का मत कर, ये हारी है इसी में करा सोना है, रात हो जाने से आधा तेरा आधा मेरा। कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब तो उसका काम बन गया,
लेकिन ये जाकर मन ही मन सोच रहा है कि ऐसे महात्मा और ऐसे महात्मा के एक बनाए हुए नियम पर चलने पर इतना बड़ा लाभ हो गया, और नियम भी हमारा बनाया हुआ था, और इतना बड़ा काम हो गया, हम माला माल हो गए, और अगर उनके कहने पर हम हर बात मान करके चलेंगे तो कितना बड़ा माला माल हो जाए, कितना बड़ा माला माल। तो प्रेमियों यही सब होता है, हमको आपको शत्रु मिल गए, दीन और दुनिया सत्संग के दौरान कहा कि अगर गुरु के आदेश में आप चलोगे, गुरु भक्ति करोगे, तो घाटे में कभी नहीं रहोगे, कभी नहीं रहोगे। कहा एक महात्मा थे, एक गांव में गए, लोगों को इकट्ठा करके सत्संग सुनाया, सबको रास्ता बताया, लेकिन उसी गांव का एक आदमी था जाट, वो सत्संग में नहीं आया। कई दिन सत्संग हुआ, सत्संग में आता ही नहीं था, तो पता चला कि गांव का हर आदमी आता है लेकिन एक आदमी नहीं आता, तो गुरु महाराज उसको बुलाए, तो आया, कहा भाई सत्संग में तू क्यों नहीं आता, कहा हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं, कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, तू भक्ति कर ले, माला ले ले, अपने घर बैठ के भक्ति कर, तू कहीं मन आना जाना मत। कहा इतना टाइम ये हमारे पास नहीं, गुरु ने कई तरकीब बताए, कई रास्ता बताया, लेकिन उसके पास समय नहीं है। तो महात्मा तो बड़े दयालु, कहा अच्छा ये बता, तू कोई नियम बना ले, तू जो भी कर सकता है वही नियम बना ले, जब तेरी भक्ति कबूल हो जाएगी तू क्या कर सकता है। कहा सरकार मैं यही कर सकता हूँ कि हमारे पड़ोसी में कुम्हार रहता है, घर के बगल कुम्हार, मेरा आप कह रहे हैं तो मैं यही नियम बना सकता हूँ कि हम इसका दर्शन करके तभी रोटी खाएं, बिना इसके दर्शन के भोजन नहीं करें। कहा ठीक है चलो, तो नियम बना लो, पक्का अगर नियम के हो जाओगे तो कार निश्चित हो जाए। अब नियम बचाना बना लिया, रोजाना वो दर्शन करे, तो जब खाने का समय आता तो फट से अपने घर से निकल के और पर्वत में झाग लेता, तो कुम्हार मिल जाता, उसका चेहरा देख लेता, तो आके रोटी खा लेता। एक दिन संतोष से उसको सुबह कहीं जाना था, और घर में खाना जल्दी बन गया, पत्नी ने कहा खाना खाओ जल्दी जाओ नहीं समय निकल जाएगा। अब बेचारा कहा कि आप भोजन निकालो हम अभी आते हैं। अब इधर पत्नी ने भोजन निकाला, अब वो बाहर निकल के कहा हम उसका दर्शन कर ले तभी तो भोजन करेंगे। अब गया दर्शन करने के लिए, तो बाहर उसका दर्शन नहीं हुआ। अब उसके घर गया, पूछा कि प्रजापति जी कहाँ गए, तो पता चला कि वो चले गए हैं मिट्टी लाने के लिए। मिट्टी कुम्हार लोग जाते हैं बाहर, तो कहीं बैठा को बनाते, उसमें से मिट्टी निकाल के लाते हैं, अपने घर चाक के बर्तन बनाते हैं, उसी को बेचते हैं, तो उसी मिट्टी को लेने गया था बेचारा, गड्ढा खोद रहा था। आगे जब पता पाया कि चला गया मिट्टी लेने के लिए, अब उसको पूछी कि बताओ हमको दूर जाना है, अब आज इसको मरना था बेचारा चला गया दर्शन नहीं दिया, तो भागा बेचारा जहां गया था मिट्टी लाने के। जब वहां भगा तो उस समय कुम्हार क्या कर रहा था, मिट्टी खोद रहा था, जो उसको उस गड्ढे में सोने का सोने से भरा हुआ हारी मिल गया। अब वो देख करके खुश हो गया, अब सोचने लगा कि इसको रात में घर ले चले और नहीं कोई देख लेगा, किसी से तमाम को हिस्सा ले लेंगे, खत्म हो जाएगा, तो रात में ले चलेंगे। अब वो खुश था और उसी खुशी में गड्ढे से निकला, बाहर जब सर किया उसी समय ये जाट पहुंच गया, दूर से देख लिया दूर से, और जब इसको देखा तो इसके मुख से निकल पीछे लौट पड़ा, जब उसको देखा तो पीछे लौट पड़ा, यानी हमने इसको देख लिया हमारा काम हो गया। तो जाट ने सोचा कि ऐसा है देख लिया, अभी जाएगा तो गाँव में हल्ला मचाएगा, तो जाट कुम्हार उसको बुला रहा है कि भाई सुन लो सुन लो सुन लो काहे भागे जा रहे हो। तो जाट कह रहा है कि हमने देख लिया, देखने का मतलब था कि चेहरा उसने देख लिया,
वो जाएगा, भोजन करेगा, तो जहाँ जाना है चला जाए, तो जहाँ से बनाया जाता है सारा खर्चा उसी का रहता है, ऐसा होता है। हाथ के हाथ जिसके हाथ में लस्सी भंडारा बनाया जाता है सारा खर्चा उसी का रहता है। और एक दाह सामूहिक रूप में मनाया जाता है, वहां आप अपने घर से जो चुटकी निकालते हो उसको लेकर के चले जाओ, क्योंकि वो गुरु का दरबार है, गुरु के यहाँ गए हो तरदसी का भंडारा मनाने के लिए, तो कुछ लेकर के जाओ। तो गुरु महाराज ने कहा कि कोई खाली हाथ नहीं विसर्पण करेगा। अब उसी मथुरा आश्रम पर भंडारे को सेवा करती थी एक माता जी, तो माता जी के पास जो हमने सुना है उनके पास इतनी गरीब थी कि बड़ी मुश्किल से नहा करके बदलने के लिए कपड़ा चुहाता, वो गरीब थी। गुरु के दरबार में भंडारे से रोटी उनको मिल जाता था, लेकिन जब और पैसा नहीं है तो गुरु की झोली भी बेचारी कैसे जा कैसे जा, यह गरीबी होता। लेकिन भाव देखो, उसने बेचारी रास्ता निकला, रास्ता निकला तब होगा जब उसके आंसू गिरे होंगे, उसके आंसू गिरे होंगे कि गुरु महाराज आपने तो आदेश जारी कर दिया कि कोई खाली हाथ दर्शन नहीं करेगा, तो हमारे पास जब एक भी पैसा नहीं है तो हम आपका दर्शन न करें। इसका मतलब तो यही हुआ कि जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आपका दर्शन कैसे करें, बेचारी रोई होगी। तो रास्ता तो इनको निकालना है, इन्होंने रास्ता निकाल दिया। उसी दिन से वो सुबह लाइन लगती थी और गुरु का दर्शन करने और बेचारी लाइन में खड़ी होती थी, और जब झोली आती थी ना तो अपने हाथ में एक फूल तोड़ के ऐसे रखती थी, और जब झोली आती थी उसी फूल को उसी झोली में डाल देती थी, कोई देखता नहीं था, कोई नहीं देखता। अब विचार कीजिए, रोज का ये नियम था। एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज दर्शन दे रहे थे, वो बेचारी उनके पैरों पे गिर पड़ी, और जब पैरों पे गिरी तो गुरु महाराज ने उसको डांटा, जोर से डांटा कि जब तेरा काम हो गया तो फिर तू काहे परेशान हो रही है। अब आप विचार करो, भूल से काम हो गया, चाहता कि जब तेरा काम हो गया तो फिर तू क्यों परेशान है, तो कौन सा काम हो गया, जीवात्मा का काम, सदा सदा के लिए वो सुखी हो गई है। तो गुरु एक फूल से खुश हो गया, फूल से, लेकिन उसके अंदर भाव था, तो हमारा गुरु एक फूल से खुश हो जाता है, भाव सत्य है। वो बेचारा त्रयोदशी के दिन और पूनम के दिन चाहे चल जा करके अपने जिला के जिम्मेदार से बता करके, कोई उज्जैन और रेवाड़ी जब जाएगा तो ऐसे नहीं अपने आप चला जाए, चार दिन पांच दिन पहले अपने जिम्मेदार को फोन करके आप बताओ कि हम रेवाड़ी जा रहे हैं। बस आपका जिम्मेदार सारी जानकारी जिला की लेकर के वहां तक पहुंचा दे, तब आप जाना वहां सेवा। हमने देखा जो बताई को कितनी माता बहने बेचारी सेवा कर रही थी, सर पे मिट्टी रख कर वीडियो तो बना के भैया भेजे हैं, सर में मिट्टी ढोया, अपने घर में मिट्टी नहीं ढोती है। ऐसे ऐसे अमीर लोग उनके घर की माता बहने सर में मिट्टी गुरु के दरबार में रख के ढोया, पत्थर ढोया है पत्थर, अपने घर में न ढोई है, अपने घर में पटीदारी करी है। घर घर में अलगी बेटा कहे और सत्य चार बेटा हो जाए और चारों पत्तों हरा जाए, तो अलगी बेटा हो सबसे बड़ा कारण खाना बनाना, खाना बनाना सबसे बड़ा था। और जब गुरु के दरबार में जाती था तब मारा मारी कर रोटी भी लेकर आई, खाना बनाओ कहीं सुखान खाने का ही जब हूँ सेवा कर ली भैया, तो वो गुरु के दरबार है, वो दरबार की। तो आप चल देखे वहां सेवा सबके लिए खुला है, परमात्मा दौलत आपका कर लीजिए सेवा। कहते हैं गुरु भक्तों के खुल गए भार, और जब गुरु सेवा मिले कोई भार से गुरु सेवा मिलता है और गुरु का बुलावा आता है, गुरु याद करते हैं तो याद चलने की पूरी तैयारी हमको आपको करना है, और बढ़ा जाए कि बंद कर देते।
सारा सब कुछ आपके तैयार हो गया, मौसम भी देखिए सुलायक है, है? हाँ दूर दूर कितने भाई को जाना है और समय तो आपका आपका बड़ा जब हो जाए आपका बड़ा। देखो गुरु का सत्संग, गुरु का संदेश, कार्यक्रम चाहे साधन भजन कुछ भी हो वो सब बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज का दिन और दिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम तो आपसे प्रार्थना यही करेंगे, उपस्थिति यहाँ की बहुत कम है, प्रेमियों अपने जिला अयोध्या में आप जहां भी जाओ आप पूरी संगत निवास में लाओ कि 23 अगस्त का दिन और जिले में कोई दूसरा कार्यक्रम ना हो। अपने गुरु की यादगारी में हमारे गुरु का हमारे मालिक का यहाँ चरण पड़ा और इस खुशी में आ करके इस जगह को हम लोग नमन करें और इसी नमन के बहाने गुरु का थोड़ा सा संदेश हो जाए, सत्संग संदेश हो जाए, भोजन प्रसाद हो जाए तो आपका दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज से आप लोग उपस्थिति बहुत कम है, यहाँ जगह नहीं होनी चाहिए इतना बड़ा फर्क है, ये होना चाहिए। तो रास्ता मालिक ने दिया, सुंदर ध्यान भजन करने का तरीका बताया, करना है अब की बार पार कर। रेडियो 14 तारीख को वहां सत्संग हुआ रेवाड़ी में, अपने भाई सत्संग सुना रहे थे लक्ष्मण सिंह जी, और सत्संग के दौरान उन्होंने तो सारी बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी परमार्थी बातें बताई, लेकिन अब याददाश्त उतना अच्छा नहीं है, याद नहीं रहता कि कितना बढ़िया कितना अच्छा सब कुछ सुनाया, अनुभव उन्होंने बताया, पुराने लोगों के पास बड़ा अच्छा अच्छा अनुभव और उन्होंने देखा है, उन्होंने जो किया है इसलिए वो सब बताते हैं सुनाते। कहते हैं कि गुरु महाराज मथुरा में एक दिन आदेश दे दिया कि कोई खाली हाथ दर्शन नहीं करे, कोई खाली हाथ सब देखो महात्मा क्या देना चाहते हैं उसी बहाने कुछ न कुछ देना चाहते, आदेश दे दिया कि कोई खाली हाथ दर्शन नहीं करे। और सही है ये तो गुरु महाराज बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि राजा